महान स्वतंत्रता सेनानी किसान क्रांतिकारी श्री बलदेव राम मिर्धा जी की जन्म जयंती समारोह पर पूरे देश प्रदेश में अनेकों आयोजन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मरुभूमि में एक ऐसे महान अवतार के रूप में किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्धा को सम्मानित रूप से पूजा जाता है, जिन्होंने किसान और मजदूरों के हकों के लिए अपनी आवाज बुलंद की और तत्कालीन सामंतों और शोषकों से वो टकरा गए और उन्होंने आखिर किसान और मजदूर की जीत सुनिश्चित की। किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्धा गांव गरीब व किसान पर उस समय हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। आपको बता दें कि उस जमाने में पुलिस विभाग में डीआईजी के पद से त्याग पत्र देकर आजादी का प्रचार प्रसार करने वाले बलदेव राम मिर्धा जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रचार प्रसार में लग गए। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खात्मे और शिक्षा के विकास के लिए जगह जगह किसान छात्रावासों का निर्माण करवाया। उन्होंने किसान के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जमकर आवाज उठाई और किसान के स्वाभिमान को जागृत किया। वे न तो किसी जाति के खिलाफ थे, न ही किसी समुदाय विशेष के खिलाफ थे। उन्होंने तो शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और दूषित व्यवस्था के खिलाफ वो रहे और हमेशा पीड़ित व गरीबों के साथ रहे। उनमें सामाजिक व शैक्षणिक जागृति के लिए एक क्रांति की ज्वाला थी। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के सपने को साकार करने के लिए हमें किसान गरीब मजदूर की मदद करने का संकल्प लेना चाहिए और हमारे किसान छात्रावासों शिक्षण संस्थानों बालिका शिक्षा के संस्थानों समेत अन्य जितने भी देश व समाज के सकारात्मक संस्थान हैं उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्धा के बारे में एक कही हुई कहावत चरितार्थ होती है कि जगत झुरे विनती करे धिन धिन धरती धाम एक रे पाछो आवजे जग में मिर्धा बलदेव राम जग में मिर्धा बलदेव राम।